कर रहे हैं। ये वो बरजिंदर ने जिन्हें उठे जाके थली बचाती गोरियों नूं इधर कालियों नूं इन्हें सिखाता के पंजाबी साढ़े हिंदुस्तानी इदां दे हुंदे आ। असीं हर जगह जाके जनगण मचाउणे आ, हिंदुस्तान के झंडे चलाउणे आ, ते साढ़े वड्डियां नाल इह कुतूतां साडी गौरमेंट कर रही। मैं हुण बरजिंदर बरजिंदर सिंह नूं बेनती करूंगा कि तुसीं अपने लफ्ज हरियाणा वालों जो तुसीं कह सकते हो कहो, और अपने सारे स्पोर्ट्समैन वालों जो तुसीं कहना चाहते हो आगे महकमे सांभो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। हरियाणा वाला राम राम भाई, यूपी वाला राम राम, जितने भी बाहर से राजस्थान लोग आए हैं सबको राम राम। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमन गेम्स मेडलिस्ट, दुनिया के जितने भी मेडल हैं सबके सब जीत चुका हूं। यहां का सिर्फ एक हमारा बड़ा भाई पंजाब यहां पे आया है तो भैया हरियाणा वाले पीछे नहीं हटेंगे। सोनीपत तो वैसे ही पहलवानों की धरती है, बहुत सारे पहलवानी सोनीपत की धरती ने पैदा किए हैं, और खिलाड़ी होने के नाते जैसे हमारे को गुरबख्श सिंह संधु जी ने, मैंने कटिंग देखी कि उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है, तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है। और भैया तो अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। तो पंजाब ने जो शुरुआत की है, जो पूरे देश को एक साथ लेके आया है, वो क्रांति पहले भी पंजाब से आई थी और आगे भी पंजाब से ही आगे, और हरियाणा हमेशा आपके साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। और गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बार कही थी कि वी आर सिंह, वी आर ऑल सिंह, मैं आई एम बिलीव इन सिंह, मैं एक सिंह हूं विजेंद्र सिंह। और ये कहते हैं सिंह का कभी टेररिस्ट नहीं होता, लोग लगा रहे कहते हैं कि वी आर फार्मर नो टेररिस्ट। से वन थिंग कि वी आर सिंह, वी आर नॉट टेररिस्ट। हर एक किसान एकता को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जब तक हम किसान हैं हमें कोई नहीं तोड़ सकता। और एक हरियाणवी होने के नाते जहां मैंने पंजाब में पटियाला में ट्रेनिंग की है, अपना रोटी खाई है, वहां का पानी पिया है, तो भैया बहुत उपकार है पंजाब का मेरे ऊपर, तो उपकार को मैं कभी उतार तो सकता नहीं। लेकिन जो खेल का सबसे बड़ा सम्मान है राजीव गांधी खेल पुरस्कार, तो मेरे सभी कोच और सभी सीनियर जो मेरे साथ खड़े हैं उनके साथ मैं भी सरकार वापस ले जाए, नहीं तो भैया ये लो अपने अवार्ड, हम तो वैसे ही खुश है कि नहीं खुश साहब। तो भैया किसान एकता पहले भी थी आगे भी रहेगी, किसान एकता, किसान एकता। कर रहे हैं ये वो बरजिंदर ने जिन्हें उठे जाके थली बचा गोरियों नूं इधर कालियों नूं इन्हें सिखाता के पंजाबी साडे हिंदुस्तानी इदां दे हुंदे आ। असीं हर जगह जाके जनगण मचाउणे आ, हिंदुस्तान दे झंडे चलाउणे आ, ते साडे वड्डियां नाल इह कुतूतां साडी गौरमेंट कर रही। मैं हुण बरजिंदर बरजिंदर सिंह नूं बेनती करूंगा कि तुसीं अपने लफ्ज हरियाणा वालों जो तुसीं कह सकते हो कहो, और अपने सारे स्पोर्ट्समैन वालों जो तुसीं कहना चाहते हो आके महकमे सांभो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। हरियाणा वाला राम राम भाई, यूपी वाला राम राम, जितने भी बाहर से राजस्थान लोग आए हैं सबको राम राम। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमन गेम्स मेडलिस्ट, दुनिया के जितने भी मेडल हैं सबके सब जीत चुका हूं। यहां का सिर्फ एक हमारा बड़ा भाई पंजाब यहां पे आया है तो भैया हरियाणा वाले पीछे नहीं हटेंगे। सोनीपत तो वैसे ही पहलवानों की धरती है, बहुत सारे पहलवानी सोनीपत की धरती ने पैदा किए हैं, और खिलाड़ी होने के नाते जैसे हमारे को गुरबख्श सिंह संधु जी ने, मैंने कटिंग देखी कि उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है, तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है। और भैया तो अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूं।
पंजाब ने जो शुरुआत की है, जो पूरे देश को एक साथ लेके आया है, वो क्रांति पहले भी पंजाब से आई थी और आगे भी पंजाब से ही आ गई, और हरियाणा हमेशा आपके साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। और गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बार कही थी कि वी आर सिंह, वी आर ऑल सिंह, मैं आई एम बिलीव इन सिंह, मैं एक सिंह हूँ विजेंद्र सिंह। और कहते हैं सिंह का कभी टेररिस्ट नहीं होता, लोग लगा रखे थे कि वी आर फार्मर नॉट टेररिस्ट, से वन थिंग कि वी आर सिंह वी आर नॉट टेररिस्ट। हर एक किसान एकता को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जब तक हम किसान हैं हमें कोई नहीं तोड़ सकता। और एक हरियाणवी होने के नाते जहां मैंने पंजाब में पटियाला में ट्रेनिंग की है, अपना रोटी खाई है, वहां का पानी पिया है, तो भैया बहुत उपकार है पंजाब का मेरे ऊपर, तो उपकार को मैं कभी उतार तो सकता नहीं। लेकिन जो खेल का सबसे बड़ा सम्मान है राजीव गांधी खेल पुरस्कार, तो मेरे सभी कोच और सभी सीनियर जो मेरे साथ खड़े हैं उनके साथ मैं भी सरकार वापस लिए जाए, नहीं तो भैया ये लो अपने अवार्ड, हम तो वैसे ही खुश है कि नहीं खुश साहब। तो भैया किसान एकता पहले भी थी, आगे भी रहेगी। किसान एकता, किसान एकता। कर रहे हैं ये ओ ब्रजिंदर ने जिन्हें उठे जाके थली बचा हिंदुस्तान दे झंडे चलाने ते साडे वड्डिआं नाल इह कुतुतां साडी गवर्नमेंट कर रही। मैं हुण बलजिंदर सिंह नूं बेनती करूंगा कि तुसीं अपने लफ्ज हरियाणा वालों जो तुसीं कह सकदे हो कहो, और अपने सारे स्पोर्ट्समैन वालों जो तुम कहना चाहते हो आगे महकमे सांभो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। हरियाणा वाला राम राम भाई, यूपी वाला राम राम, जितने भी बाहर से राजस्थान लोग आए हैं सबको राम राम। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट, दुनिया के जितने भी मेडल हैं सबके सब जीत चुका हूं। यहां का सिर्फ एक हमारा बड़ा भाई पंजाब यहां पे आया है तो भैया हरियाणा वाले पीछे नहीं हटेंगे। सोनीपत तो वैसे ही पहलवानों की धरती है, बहुत सारे पहलवानी सोनीपत की धरती ने पैदा किए हैं, और खिलाड़ी होने के नाते जैसे हमारे को गुरबख्श सिंह संधु जी ने, मैंने कटिंग देखी कि उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है, तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है। और भैया तो अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। पंजाब ने जो शुरुआत की है, जो पूरे देश को एक साथ लेके आया है, वो क्रांति पहले भी पंजाब से आई थी और आगे भी पंजाब से ही आ गई, और हरियाणा हमेशा आपके साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। और गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बार कही थी कि वी आर सिंह, वी आर ऑल सिंह, मैं आई एम बिलीव इन सिंह, मैं एक सिंह हूँ विजेंद्र सिंह। और कहते हैं सिंह का कभी टेररिस्ट नहीं होता, लोग लगा रखे थे कि वी आर फार्मर नॉट टेररिस्ट, से वन थिंग कि वी आर सिंह वी आर नॉट टेररिस्ट। हर एक किसान एकता को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जब तक हम किसान हैं हमें कोई नहीं तोड़ सकता। और एक हरियाणवी होने के नाते जहां मैंने पंजाब में पटियाला में ट्रेनिंग की है, अपना रोटी खाई है, वहां का पानी पिया है, तो भैया बहुत उपकार है पंजाब का मेरे ऊपर, तो उपकार को मैं कभी उतार तो सकता नहीं। लेकिन जो खेल का सबसे बड़ा सम्मान है राजीव गांधी खेल पुरस्कार, तो मेरे सभी कोच और सभी सीनियर जो मेरे साथ खड़े हैं उनके साथ मैं भी सरकार वापस लिए जाए, नहीं तो भैया ये लो अपने अवार्ड, हम तो वैसे ही खुश है कि नहीं खुश साहब। तो भैया किसान एकता पहले भी थी, आगे भी रहेगी। किसान एकता, किसान एकता। कर रहे हैं ये ओ ब्रजिंदर ने जिन्हें उठे जाके थली बचा गोरियां नूं इधर कालियां नूं सिखाता के पंजाबी साडे हिंदुस्तानी इदां दे हुंदे आ, असीं हर जगह जाके जनगण मचाउणे आ, हिंदुस्तान दे झंडे चलाउणे आ, ते साडे वड्डिआं नाल इह कुतुतां साडी गवर्नमेंट कर रही।
मैं हम बरजिंदर बरजिंदर सिंह नूं बेनती करूंगा कि तुसी अपने लफ्ज हरियाणा वालों जो तुसी कह सकते हो कहो और अपने सारे स्पोर्ट्समैन वालों जो तुसी कहना चाहते हो आके माइक नूं सांभो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। हरियाणा वाले राम राम भाई, यूपी वाले राम राम, जितने भी बाहर से राजस्थान लोग आए हैं सबको राम राम। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमन गेम्स मेडलिस्ट, दुनिया के जितने भी मेडल हैं सबके सब जीत चुका हूं। यहां का सिर्फ एक हमारा बड़ा भाई पंजाब यहां पे आया है तो भैया हरियाणा वाले पीछे नहीं हटेंगे। सोनीपत तो वैसे ही पहलवानों की धरती है, बहुत सारे पहलवानी सोनीपत की धरती ने पैदा किए हैं और खिलाड़ी होने के नाते जैसे हमारे को गुरबख्श सिंह संधू जी ने मेरे कटिंग देखी कि उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है, तो भैया मेरे स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है। और भैया तो अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। तो पंजाब ने जो शुरुआत की है, जो पूरे देश को एक साथ लेके आया है, वो क्रांति पहले भी पंजाब से आई थी और आगे भी पंजाब से ही आ गई और हरियाणा हमेशा आपके साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। और गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बार कही थी कि वी आर सिंह, वी आर ऑल सिंह, मैं आई एम बिलीव इन सिंह, मैं एक सिंह हूं विजेंद्र सिंह। और ये कहते हैं सिंह का कभी टेररिस्ट नहीं होता, लोग लगा रखे थे कि वी आर फार्मर नॉट टेररिस्ट, से वन थिंग कि वी आर सिंह वी आर नॉट टेररिस्ट। हर एक किसान एकता को तोड़ने की कोशिश की जाएगी लेकिन जब तक हम किसान हैं हमें कोई नहीं तोड़ सकता। और एक हरियाणवी होने के नाते जहां मैंने पंजाब में पटियाला में ट्रेनिंग की है, अपना रोटी खाई है, वहां का पानी पिया है, तो भैया बहुत उपकार है पंजाब का मेरे ऊपर, तो उपकार को मैं कभी उतार तो सकता नहीं। लेकिन जो खेल का सबसे बड़ा सम्मान है राजीव गांधी खेल पुरस्कार, तो मेरे सभी कोच और सभी सीनियर जो मेरे साथ खड़े हैं उनके साथ मैं भी सरकार वापस लिए जाए, नहीं तो भैया ये लो अपने अवार्ड, हम तो वैसे ही खुश है कि नहीं खुश साहब। तो भैया किसान एकता पहले भी थी आगे भी रहेगी, किसान एकता, किसान एकता। कर रहे हैं ये